सिंगरौली एनसीएल मुख्यालय के दुधीचुआ एवं अमलोरी परियोजना में गजराज कंपनी के श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 30 तारीख से काम बंद कर हड़ताल पर हैं। श्रमिकों द्वारा बताया गया कि अगर 13 तारीख तक एरियर जुलाई माह का पेमेंट एवं बीएफ का स्टेटमेंट कंपनी द्वारा नहीं दिया गया तो 14 तारीख से हम उग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम सभी गजराज के मजदूर साथी 30 तारीख को हड़ताल किए थे, जिसमें से हम लोग का मुद्दा था पीएफ एरियस और दो महीने का पेमेंट रुका हुआ था। माननीय कमलेश्वर मंत्री जी जो है तो बात किए और टीआई साहब को बोले कि आप जो है तो इसमें समझौता कराइए, और टीआई साहब आए, हम लोग के बीच में वार्तालाप हुआ और वार्तालाप को जो है तो सक्सेस किए और बोले कि नहीं ठीक है चलो हम लोग जो द्विपक्षीय वार्तालाप करेंगे। और उसमें जो है तो हम लोग को निर्णय लिया गया कि जो है तो हम लोग का एरियस और पेमेंट जो है तो रुका हुआ है वो 13 तारीख के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। इसमें जो है तो एनसीएल के सीओ साहब और कंपनी के उच्च अधिकारी और टीआई साहब मोरबा थाना के ये सारे आदमियों के बीच में और हमारे महामंत्री बिष्ट जी भी थे और हम लोग कर्मचारी भी थे गजराज के, उसमें वार्तालाप हुआ और निर्णय लिया गया कि जो है कि 13 तारीख के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 14 तारीख को अमलोरी और दुधीचुआ दोनों को मिला के और उग्र आंदोलन करेंगे और जो है तो एनसीएल का भी काम को प्रभावित करेंगे। विशाल आंदोलन करने की हम लोग की तैयारी है और रणनीति भी रहेगी। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।